आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल की गारंटियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर अभियान को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। सुरजीत ठाकुर ने कहा कि पिछले 30 सालों से हिमाचल में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार बन रही है। कांग्रेस व भाजपा की सरकार के समय प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बदहाल है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। सुरजीत ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हजारों स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, तो बहुत से स्कूल बिना शिक्षक के भी चल रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बदहाल है। प्रदेश के बड़े मेडिकल कॉलेज में ना तो अल्ट्रासाउंड होता है और ना ही कोई टेस्ट होते हैं। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए 2 महीने की डेट दी जा रही है। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्म की बात है। सुरजीत ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर और भाजपा कांग्रेस नेताओं को घेरते हुए कहा कि दोनों दलों के नेता युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर चाहते हैं कि देहरा में यूनिवर्सिटी बने, तो धर्मशाला के नेता चाहते हैं कि धर्मशाला में बने। ये विश्व की पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसके एक कैंपस से दूसरे कैंपस की दूरी 70 किलोमीटर होगी। 13 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए अभी तक सरकार जमीन नहीं दे सकी है। आज तक यूनिवर्सिटी की एक भी बिल्डिंग नहीं बन सकी, जिसे साबित होता है कि भाजपा और कांग्रेस नेता शिक्षा पर राजनीति कर रहे हैं और उन्हें युवाओं की शिक्षा की कोई चिंता नहीं है। सुरजीत ठाकुर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली और पंजाब में खरीदना चाह रही थी, लेकिन भाजपा का ऑपरेशन लोटस दिल्ली और पंजाब में फेल हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक ईडी और सीबीआई से डरते हैं। ईमानदार सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिससे वे ईडी और सीबीआई के डर से भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जी नमस्कार। आज की जो ये प्रेस वार्ता थी, इसका मुख्य विषय था जो डोर टू डोर अभियान हमारा 3 दिन पहले चला। तो आज बधाई के पात्र हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के हर एक कार्यकर्ता जो डोर टू डोर आम आदमी पार्टी की गारंटियां और आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 72 घंटे में 1 लाख से ज्यादा घरों में हमारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और करीब करीब 24,000 कॉल आम आदमी पार्टी के लिए लोगों ने किए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। वो सब बधाई के पात्र हैं कि इसी स्पीड से वो काम करते रहें और अगले 15 दिन के अंदर हर एक घर में हमारा कार्यकर्ता जाएगा। आम आदमी पार्टी की जो गारंटियां हैं, आम आदमी पार्टी के जो गारंटी कार्ड है, वो घर घर पहुंचेंगे और जिस तरीके से इन गारंटियों पर और इन गारंटी कार्डों को लेकर हमारी जनता आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास भरोसा जता रही है, उससे ये सीधी सीधी बात समझ आती है कि इन चुनावों में प्रचंड बहुमत में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और जनता जो खुशी जो पिछले 30 सालों से सपना देख रही है हिमाचल प्रदेश के लिए कि अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छी सड़कें होगी, बिजली और पानी कम पैसों में कम कीमत में मिलेंगे, तो वो सपना भी हिमाचल प्रदेश की जनता का साकार होने वाला है। ये प्रेस वार्ता में आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो अपने आप आम आदमी पार्टी की गारंटियां आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा एक नंबर है 70451 70451, एक नंबर है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं और आप भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा, वो कोड आपको वहां पर डालना है और उसके बाद जो गारंटी कार्ड है हमारे, जैसे महिलाओं के लिए हर 18 साल के उम्र से उम्र की जो हमारी माता बहन बेटी है उन सबको 1,000 रुपया मिलेगा और जो बेरोजगार युवा है जिनको सरकारी नौकरी अभी नहीं मिली है उनको 3,000 रुपये का बेरोजगारी का भत्ता 40 साल की उम्र तक दिया जाएगा, या फिर अगले 5 साल में 6 लाख सरकारी नौकरियां इन बेरोजगारों को दी जाएगी।